हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ड्यूटीज और टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। जितने भी टैक्स रहते हैं, CGST, SGST, IGST और इसी प्रकार इनपुट में रहते हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, हम देखेंगे उनको किस प्रकार एडजस्ट करना है टैली में, उनको एडजस्ट करने के लिए किस प्रकार एंट्री करते हैं हम जनरल वाउचर में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बैलेंस शीट में ओपन करके देख लेते हैं कि कितने हमारे पास टैक्सेस हैं, ड्यूटीज और टैक्सेस में क्या क्या शो कर रहा है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो इनको ओपन करें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी डेबिट अमाउंट है, ये पैसा हमने परचेज करते टाइम पे कर रखा है, यानी कि इस अमाउंट को हम गवर्नमेंट से रिसीव कर सकते हैं। और जितना भी अमाउंट क्रेडिट में है, ये पैसा हमने सेल करते टाइम रिसीव किया था अपने कस्टमर से, यानी कि ये पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना है। देखिए ना, ये पैसा हमने रिसीव करना है, ये पैसा हमने पे करना है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि हमें पहले पैसा देती है या फिर बाद में हम पैसा उनको देते हैं। वो ऐसा करती है कि पहले ही पैसे काट के वो बोलती है कि जितने पैसे बचेंगे वो तुम हमें दे देना। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर जो डेबिट अमाउंट है वो है 72,099 रुपीज़, और जो क्रेडिट अमाउंट है वो है 73,900 रुपीज़। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है, इसको हमने परचेज करते टाइम पहले ही पे कर दिया था, और जो ये वाला अमाउंट है, ये हमें पे करना है गवर्नमेंट को। देखिए ना, ये वाला अमाउंट हमने पहले ही पे कर रखा है गवर्नमेंट को, तो हम इस वाले अमाउंट को थोड़ा पे करेंगे, हम इस अमाउंट से इस अमाउंट को डिडक्ट करके जितना अमाउंट बचेगा उसको पे कर देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है कि जो अमाउंट डेबिट में है वो पहले गवर्नमेंट हमें देगी और जो क्रेडिट में है वो बाद में हम उनको देंगे। ये जो टैली का सॉफ्टवेयर है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ही हमें डिडक्ट करके बताता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1801 रुपया सिर्फ बचा है, जो कि डिडक्ट करने के बाद बचा है, इसको हमें पे करना है गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री नहीं कर सकते। जब आप इसके ऊपर एंटर करके देखोगे तो आपको ये सारा अमाउंट दिखेगा। तो इस सारे अमाउंट को यहाँ से गायब करने के लिए हम जनरल वाउचर में एक एंट्री पास करेंगे, जिसकी मदद से ये सारा अमाउंट यहाँ से नील हो जाएगा। तो उस एंट्री को हम किस प्रकार पास करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें कि जो आउटपुट में अमाउंट है वो इतने हैं और जो इनपुट में अमाउंट है वो इतने हैं। सबसे पहले है इनपुट IGST और IGST, ये इनपुट है, यानी कि इस अमाउंट को हमने परचेज करते टाइम पे कर रखा है और इस अमाउंट को हमने सेल करते टाइम किसी दूसरी पार्टी से रिसीव करा है। तो सबसे पहले हम इनपुट IGST को IGST से ख़त्म करेंगे, यानी कि 12,700 को 20,400 में से डिडक्ट करेंगे, और फिर हम इनपुट CGST से CGST को डिडक्ट करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर इस वाली साइड अमाउंट ज़्यादा है, इस वाली साइड अमाउंट कम है, तो कम वाले अमाउंट को हम ज़्यादा वाली साइड से डिडक्ट कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी है। तो इन सभी एंट्रीज को अगर आप एक दो बार करोगे या तीन चार बार करोगे तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम इनपुट IGST को आउटपुट IGST से डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे जनरल वाउचर में। अगर आप चाहो तो एक ही वाउचर में इन सभी एंट्रीज को पास कर सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम इन एंट्रीज को एक एक करके करेंगे। तो ओपन करेंगे टैली, यहाँ पे जाएंगे बैक गेट रिफ्ट टैली में, ओपन करेंगे वाउचर, F7 प्रेस करें जनरल वाउचर ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे, डेट आप इसकी 31 मार्च रखें। यहाँ पे एंटर करें तो डेबिट करेंगे आउटपुट IGST, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे IGST। तो जितना अमाउंट हमने वहाँ पे देखा था उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी कि जितना अमाउंट कम था उसको हम वहाँ पे टाइप करेंगे। तो 12,700 रुपया उसको हम वहाँ पे टाइप करते हैं, डेबिट करेंगे 12,700, यहाँ पे एंटर करें। यहाँ पे करेंगे क्रेडिट इनपुट IGST, तो इनपुट IGST को हम क्रेडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी अमाउंट इनपुट IGST में था वो नील हो चुका है, यहाँ पे 00 आ गया है। तो इसको आप एंटर करके सेव कर लें। नेक्स्ट हम फिर से वही करेंगे, यानी कि CGST आउटपुट CGST को डेबिट करते हुए जो भी अमाउंट कम रहेगा उसको हम डेबिट कर लेंगे, यानी कि इस केस में 26,750 जो है वो कम है इस अमाउंट से, तो हम इस अमाउंट को डेबिट करेंगे और आउटपुट CGST को ही डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हम टैली ओपन करते हैं, तो ये डेबिट करेंगे CGST, यानी कि आउटपुट CGST। यहाँ पे जो अमाउंट कम है उसको लिखेंगे, वो था हमारे लिए 26,750 रुपये, यहाँ पे एंटर करेंगे, और नीचे करेंगे क्रेडिट इनपुट CGST, यहाँ पे एंटर करें और इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लें। लेकिन यहाँ पे आप नीचे देख भी रहे होंगे कि कुछ अमाउंट बच गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। इसको हम सेव करें। नेक्स्ट हम फिर से सेम वही करेंगे,
आउटपुट SGST को डेबिट करते हुए इस अमाउंट को लिखेंगे और इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से सेम वही करते हैं, डेबिट करेंगे SGST यानी कि आउटपुट SGST, यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे 26,750 और यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट इनपुट SGST को। इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लें। अभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का हमारी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा है। ओपन करें ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो फॉर्मेट था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा है। तो अब हमें इस अमाउंट को भी यहाँ से हटाना है। इस अमाउंट को हम एंट्री पास करके हटा सकते हैं, तो इसके लिए भी एंट्री सेम ही रहेगी। आउटपुट IGST को डेबिट लेते हुए जो भी अमाउंट इन दोनों से कम रहेगा उसको लिखेंगे और क्रेडिट कर देंगे इनपुट CGST इनपुट SGST। इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें कि जो आउटपुट IGST में अमाउंट है वो इनपुट CGST और SGST दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम आउटपुट IGST को डेबिट करते हुए जो अमाउंट कम है उसको लिखेंगे और इनपुट CGST और इनपुट SGST को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम इसको अलग अलग वाउचर में नहीं करेंगे, हम इसको एक ही वाउचर में कर देंगे। तो मैं आपको एक बार करके बता ही देता हूँ कि इसको कैसे करना है। आप वाउचर में जाएं, यहाँ पे डेबिट करेंगे आउटपुट IGST यानी कि यहाँ पे लिखें IGST। यहाँ पे जो अमाउंट इकट्ठा शो कर रहा था उसको लिखेंगे यानी कि 5899। यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे करेंगे क्रेडिट इनपुट CGST, तो यहाँ पे इनपुट CGST लिखें। यहाँ पे लेकिन इसका पूरा अमाउंट नहीं आएगा, इसका ये वाला अमाउंट आएगा यानी कि 2949.50। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2949.50। यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे करेंगे इनपुट SGST को क्रेडिट, तो यहाँ पे हम इनपुट SGST लिखते हैं। इसका जो अमाउंट है वो खुद बखुद उठा लेगा। इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके आप सेव कर लें। उससे पहले यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इनपुट CGST और SGST का लेजर जो है वो अपना अमाउंट नील बता रहा है। तो इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट में। ओपन करें बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देखते हो, इसको ओपन करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रेडिट है वो सिर्फ 1801 रुपये ही है, जो कि बाहर ड्यूटी एंड टैक्सेस में भी शो कर रहा है। यहाँ पे आप 1801 रुपये देख सकते हो, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पे दिखता है वही अमाउंट ड्यूटी एंड टैक्सेस में भी यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ पे डेबिट वाली साइड कोई अमाउंट नहीं और ना ही क्रेडिट वाली साइड। जो अमाउंट बैलेंस शीट में बाहर दिखता है वही यहाँ पे दिखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 1801 रुपया। इसको आप डिटेल में भी देख सकते हो, अल्ट प्लस F5 प्रेस करें इसको डिटेल में देखने के लिए। जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे अमाउंट दिखता है वही यहाँ पे दिखना चाहिए, जैसा कि अब शो कर रहा है। पहले डेबिट वाली साइड भी अमाउंट दिख रहा था और क्रेडिट वाली साइड भी अमाउंट दिख रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब आप खुद की कंपनी क्रिएट करें, उसमें सेल परचेज की एंट्रीज करें और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को एडजस्ट करें, जितना भी अमाउंट इसमें रहता है उसको एडजस्ट करें। तो फ्रेंड्स, साथ ही इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।